अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज आर्टिकल्स बाय मेडी। आज मैं आप लोगों को उस फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के अनसर्टेनिटी वीडियो का पार्ट 2 बताऊंगी, जिसमें मैं मज़ीद पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में उसके फर्स्ट 2 पार्ट बताए थे। आज मैं ये पावर ऑफ अ क्वान्टिटी की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, एवरेज वैल्यूज़ में कैलकुलेट करना सिखाऊंगी और साथ ही साथ टाइमिंग एक्सपीरियंस में भी आपको अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। लेट्स बिगिन विद आवर पार्ट 1, पावर कैलकुलेट करने वाले में। आप देखिए, अनसर्टेनिटी इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी, ये फॉर सपोज अगर हमारे पास एक फार्मूला है 4/3 πr³, इसमें हमें r की वैल्यू गिवन है 2.25 सेंटीमीटर और उसके साथ अनसर्टेनिटी गिवन है 0.01 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको स्किप करके हमें अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। वो हम कैसे करेंगे? देखें, सबसे पहले आपने v के फॉर्मूले में 4/3 π की वैल्यू डालनी है, 3.14। r की जो ये वाली वैल्यू है वो आपने पुट करनी है 2.25³। इसको छोड़कर v आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 47.7 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन r इज, उसकी परसेंटेज निकालनी है 0.01/2.25 × 100%। ये पिछले वाला काम ही है। इस तरह हमारी अनसर्टेनिटी निकलेगी 0.4%। लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, हमें इन v निकालनी है। चूँकि r क्यूब के फार्मूले के साथ हमारे यहाँ मौजूद है, फार्मूले में क्यूब के साथ, हम क्या करेंगे, इस 3 को यानी इसकी ये जो r है 0.4 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2%। ये हमारी अभी वैल्यू आई है। हमने क्या करना है, हमारे पास जो v का आंसर था, अनसर्टेनिटी हमें v में निकालनी थी, अभी तो हमने अनसर्टेनिटी r में निकाली है, प्रॉपर उसका परसेंट निकाला है, लेकिन अभी हमें इतनी परसेंटेज निकालनी है ताकि हमारे आंसर की अनसर्टेनिटी हमें पता चले। तो हम अब क्या करेंगे, इस हमारे आंसर का 47.7 का 1.2% निकालेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.6 आएगा। हमारे पास सो जो आंसर आएगा वो v इज़ इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6 आ जाएगा सेंटीमीटर, इस तरह से हम लोग अपने किसी भी पावर वाली फार्मूले की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अनसर्टेनिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज़। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमने किसी भी परफॉर्म किए हुए एक्सपेरिमेंट से निकाले हुए डेटा में कितना एरर है? हम अगर उसका एवरेज ले रहे हैं तो उस सारे एवरेज में कैसे निकालेंगे? हमें उन सारी वैल्यूज़ एवरेज वैल्यूज़ में कैसे पता चलेगा कि एरर कितना है? आइए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख दी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। फॉर सपोज़ कि आपने अगर वर्नियर कैलिपर वाला किया है या स्क्रू गेज वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसमें आपके पास ये 3 रीडिंग्स आई हैं, ये और आपने इसका एवरेज निकाल कर आंसर देना है, तो आप उस एवरेज में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इन सारी वैल्यूज़ को एड अप करके एक एवरेज निकाल लेना है, मीन यानी इनको एड अप करके आपने 1.50 प्लस 1.51 प्लस 1.52 इनको आपने ऐड अप करके डिवाइडेड बाय 3 करना है, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ है ना, एवरेज लिया है हमने, आंसर हमारा आया है 1.51 सेंटीमीटर।
अब हम क्या करेंगे, ये जो x डेविएशन हमने निकाला है, हम बारी बारी इसको x1 में से माइनस करेंगे इस x डेविएशन को, x2 में से माइनस करेंगे इस x डेविएशन को, x3 में से माइनस करेंगे इस x डेविएशन को। इस x डेविएशन को हमने x1 से माइनस किया, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि x डेविएशन में से x1 माइनस किया x डेविएशन में से, इट डजेंट मैटर, x डेविएशन में से x3 माइनस किया, तो आपके पास x1 था ये, तो आपने x डेविएशन था ये, इसमें से ये माइनस किया, तो आपके पास आंसर आया है 0.01 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला माइनस किया है, उसमें से आंसर आया है 0। थर्ड वाला माइनस किया है, 0.01 आंसर आया। अब आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ में से x डेविएशन को बारी बारी माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब इन तीनों वैल्यूज़ का एवरेज लेंगे, 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई। अच्छा जी, अनसर्टेनिटी आ गई, फिर आपने क्या किया, 0.0067 सेंटीमीटर, ये आपकी अनसर्टेनिटी है इस टोटल एवरेज वैल्यू में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, ये देखिए। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि अगर आपने पेंडुलम वाला, स्पेशली तो होता पेंडुलम वाला ही है, उसमें आपने कैसे कैलकुलेट करनी है मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज एक पेंडुलम है, वो कंप्लीट करता है उस 30 वाइब्रेशंस इन 54, टाइम लेता है वो 54.6 सेकंड्स। हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, सबसे पहले 54.6 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है जी, हमारा टाइम पीरियड आया है 1.82। अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी निकालेंगे, उन्होंने हमें अनसर्टेनिटी दी हुई थी 0.1, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज 0.1 सेकंड। हम क्या करेंगे, 0.1 को इसकी 30 वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.003 सेकेंड, और यही इसकी अनसर्टेनिटी है इस टाइमिंग एक्सपीरियंस की। ये हमारा आ गया टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी किसी किस्म का इशू है, आप इनबॉक्स कर दें मुझे मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर जो मैं डिस्क्रिप्शन में यूजुअली गिवन है, और होप यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब।